हेलो नमस्कार दोस्तों, 23 नवंबर 2018 की डेली एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वो है बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है कि सोशल फॉरेस्ट्री से आप क्या समझते हो। पहला ऑप्शन दिया गया है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक वन क्षेत्र के दोआब को कम करना है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसका उद्देश्य ईंधन की लकड़ी और चारा और छोटे जंगल की उपज की आपूर्ति को वृद्धि करना है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करता है। और चौथा स्टेटमेंट दिया गया है कि इसमें आम आदमी को शामिल किया गया होता है। तो देखो, सोशल फॉरेस्ट्री है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को करेक्ट है वो कर सकते हो। इसमें चारों के चारों ऑप्शन है वो ही सही हैं, क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री है, इसका ये चारों इसके मेन मोटो होते हैं, इसमें आम आदमी को इंक्लूड किया होता है। देखो, जब भी आपने हाईवे वगैरह के पास में जो पेड़ पौधे लगे हुए देखे हैं या फिर सड़कों के किनारे, वो बेसिकली सोशल फॉरेस्ट्री का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो उससे आप इन सारे एग्जाम्पल्स को, सारे पॉइंट्स को आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है साइट से रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फोना एंड फ्लोरा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोना मीन्स एनिमल, फ्लोरा मीन्स प्लांट, तो प्लांट और एनिमल दोनों की प्रोटेक्शन के लिए। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पूछा कि कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि यह पशु और पौधों की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है जब इनका ट्रेड हो रहा होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि यह सरकारों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय एक समझौता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि कन्वेंशन दलों पर कानूनी तौर पर यह बाध्यकारी है। अब आप एक चीज़ देख के यहाँ पे देखिए, देखो आप इसको पढ़िए इंग्लिश में, आप देखिए आपके कन्वेंशन हो तो इसका मतलब कन्वेंशन तो है, तो ऑब्वियसली इसमें देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड स्टेटमेंट है वो तो आंख बंद करके आप सही है वो कर सकते हो कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, इसका मतलब जो इंटर गवर्नमेंट्स या इंटर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट या कुछ ना कुछ समझौता हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। बात करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि यह कन्वेंशन है वो लीगली बाइंडिंग है इसकी पार्टीज़ के, मतलब जिन कंट्रीज़ ने इसको साइन कर दिया है उनके लिए लीगली बाइंडिंग है। तो जी हाँ, बिल्कुल ही लीगली बाइंडिंग होता है जिन्होंने इसको साइन करके रेक्टिफाई ये वो कर दिया होता है। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, देखो आपको पता होगा कि साइट्स का बेसिकली काम क्या होता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना, वाइल्ड लाइफ की फोना एंड फ्लोरा मतलब प्लांट और एनिमल की इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है कि ऐसा नहीं हो कि भाई उनका ट्रेड हो रहा हो और वो स्पीसीज है वो खत्म हो जाए। देखो जैसे एग्जाम्पल लो, ये मान के चलो केवल कि ये मान लो कि टाइगर हैं वो केवल इंडिया में ही होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर टाइगर इंडिया में है और वो भी बहुत कम है, मान लो कि 10 के आसपास ऑल ओवर वर्ल्ड में टाइगर बचे हैं और वो भी केवल इंडिया में ही है, अगर इन टाइगर्स का ट्रेड है वो इंडिया से लेके और ये मान लो कि रसिया में इनको टाइगर्स को लेके जाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली देखो वहाँ का आवास अलग है तो उनके जीने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इस मामले में साइट्स काम करता है कि भाई अगर इस स्पीसीज का ट्रेड हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वो स्पीसीज लुप्त हो सकती है, तो इससे अच्छा है कि ट्रेड को प्रोटेक्ट है वो किया जा सके। तो देखो इसमें इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है, सुरक्षा तो प्रोवाइड करवाता है बट उनके ट्रेड को रेगुलेट करता है, तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन सा जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता सकते हो। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिमी बंगाल और चौथा है राजस्थान। तो देखो जो जिप्सम है वो सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन फोर्थ है वो डायरेक्टली सी है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जो यहाँ पे पूछा गया कि बाइट्स के पाए वो कहाँ पाया जाता है, मतलब बाइट्स जो है वो विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पे चोका पहाड़ियाँ, दूसरा दिया गया जैसलमेर, तीसरा दिया गया रत्नागिरी और चौथा दिया गया कड़प्पा। तो बेसिकली जो बर्ड्स एक साई एक तरीके का क्या बोलो आपको एस्क है, जो कि बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कड़प्पा में पाया जाता है, तो ये डायरेक्टली और विश्व का सबसे बड़ा स्टोर है वो यहाँ पे। अनुमानित है कि विश्व का लगभग 28% जो एस्क है वो अकेले इंडिया के इस कड़प्पा वाले एरिया में ही पाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि जो बैरेट्स है उसका सबसे बड़ा जो भंडार है वो बेसिकली कड़प्पा में अभी है। कहाँ पे, ये साउथ इंडिया में है। तो अब आपको ये बताना है कि भाई साउथ इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में कड़प्पा की लोकेशन है वो है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण संभावित जल वाष्प क्षेत्र मतलब कि वाटर वेपर रीजन कौन सा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी का उत्सर्जन है, वाष्प उत्सर्जन है वो होता है। पहला ऑप्शन दिया गया हिमालय, नेक्स्ट दिया गया पश्चिमी घाट, तीसरा दिया गया पूर्वी घाट, चौथा दिया गया सतपुड़ा और विंध्याचल। अब एक बार चीज़ सोच के देखिए कि पानी का वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कि वो एरिया जहाँ पे पानी एनी टाइम रहता हो।
देखो पहली बात तो ये, आप देखिए अगर पानी एनी टाइम रहेगा तभी तो वाष्प प्रोजन होगा ना, तो इसका मतलब पूर्वी घाट में तो एनी टाइम बारिश नहीं होती है, तो ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। पश्चिमी घाट को एक बार आप साइड में रखिए। इसके बाद में सतपुड़ा और विंध्याचल है, इसमें भी एनी टाइम नहीं है, तो इसको भी आप साइड में। अब आपके सामने ऑप्शन बचे हिमालय और पश्चिमी घाट। अब देखो पश्चिमी घाट है उसमें इतने पानी नहीं है जितना कि हिमालय वाले रीजन में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है वो यहाँ पे ए हो जाएगा, फर्स्ट हिमालय वो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा। और हिमालय की हाइट भी ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे पानी का वाष्पोर्जन है वो काफ़ी अच्छा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि यहाँ पे लो एस के लिए जाने वाला कुमेंद्रमुख जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कुद्रेमुख की पहाड़ी है उनकी लोकेशन कहाँ पे है। पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने चिमलगुंगलु, दूसरा ऑप्शन दिया गया मैंगलोर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सतुरा और चौथा दिया गया है बेलगाम। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुद्रेमुख की पहाड़ी है वो कहाँ पे है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो बेसिकली पूछा गया है कि भारत में 90% कोयल का रिजर्व हो कहाँ पे है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा कोयले के जो स्टोरेज है वो कहाँ पे है। पहला ऑप्शन दिया गया है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, दूसरा दिया गया है उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब देखो आप एक बार सोच के देखिए कि कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ऑब्वियसली देखो झारखंड वाले एरिया में कोयला सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को तो आप डायरेक्टली हटा सकते हो। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस महाराष्ट्र में हो सकता है कि महाराष्ट्र में भी कोयला हो, बट गुजरात में इतना कोयला नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। और वैसे भी सबसे ज़्यादा कोयला वो झारखंड वाले बेल्ट में ही होता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि निम्न स्थान में से प्रसिद्धि कौन कौन किस किस जगह के लिए है, मतलब आपको ये पूछा गया है कि आपके सामने ये ऑप्शंस दिया गया है डिगबोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन और कलोल। ये पूछा कि ये एरिया किस लिए फेमस है। पहला ऑप्शन दिया गया कि ऑयल फील्ड के लिए, दूसरा दिया गया कि पावर प्लांट्स के लिए, तीसरा दिया गया कि कोयल माइन के लिए, चौथा ऑप्शन दिया गया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। काफ़ी सिंपल है, देखो आप एक चीज़ सोच सकते हो, अगर आपको इन चारों इन पांचों ऑप्शन में से अगर आपको दो का भी पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर अटेम्प्ट है वो कर सकते हो। देखो डिगबोई क्यों फेमस है, डिगबोई है कहाँ पे, आप ये सोच के देखिए, डिगबोई है आसाम में और वहाँ पे आपको बताया कि इंडिया की सबसे पहली रिफाइनरी लगी थी ऑयल रिफाइनरी, तो इसका मतलब ऑयल से रिलेटेड है। चलो खैर ये मान लो आपको डिगबोई का भी नहीं पता है तो आपको मुंबई हाई का पता होना चाहिए कि मुंबई हाई तो है ही स्पेशली ऑयल के लिए है, तो ऑब्वियसली इसके आधार पे आप कर सकते हो। कलोल का आपको पता होगा, तो मतलब इनमें से अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप ऑब्वियसली डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करेक्ट है वो कर सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि जो यहाँ पे दफनी धूप है वो क्या है। दफनी धूप का मतलब यहाँ पे है कि ब्रूट सनशाइन है वो क्या होता है। ब्रूट सनशाइन किसे कहते हैं आपको ये बताना है। बेसिकली पहला ऑप्शन दिया गया है कि महासागरों में लुप्त हुई धूप को कहते हैं, मतलब कि जो ओशियन ओशियन वाटर होता है उसके अंदर सनलाइट है वो डिजोल्व हो जाती है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि कोयले को कहते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि हीरा है, चौथा ऑप्शन आपके सामने कि महासागरों के माध्यम से जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बेसिकली ब्रूट सनशाइन है वो कहते हैं। तो देखो ये डायरेक्टली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली कोयले को दफनी धूप या ब्रूट सनशाइन के तौर पर या नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा तेल पर प्राकृतिक गैस का लाभ नहीं है, मतलब आपको ये पूछा गया है कि नेचुरल गैस है उससे बजाय आपको ये पूछा कि ऑयल पे कौन सा एडवांटेज यहाँ पे है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन करना आसान है, दूसरा दिया गया है कि यह तेल और कोयले से साफ है, तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि यह ईंधन की खोज से ज़्यादा आसान है, सॉरी यह ईंधन की खोज तेल से ज़्यादा आसान है, चौथा ऑप्शन दिया गया है कि ऑल ऑफ दिस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप इसको आसानी से अटेम्प्ट वो कर सकते हो, तो आप इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएं। तो ये थे बेसिकली आज के हमारे क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं हमारे एक बार क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो बेसिक था सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, तो सोशल फॉरेस्ट्री देखो ज्योग्राफी का पॉइंट है। इसके साथ ही हम 22 के सेकंड क्वेश्चन था वो था साइट्स के बारे में जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हमारा वो था जिप्सम, तो जिप्सम का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो इंडिया में राजस्थान है। इसके बाद में हमने बायोट्स के बारे में जाना कि बायोट्स के सबसे बड़े रिजर्व हैं वो कड़प्पा में है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर जाना नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि वाटर वेपर रीजन कौन सा है सबसे ज़्यादा, वो है हिमालय वाला। इसके साथ ही हमने जाना था यहाँ पे एक सेकेंड हाँ कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल के एरिया में पाया जाता है, और ये जाना कि कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे है क्वेश्चन आपको बताना था। लोएस के लिए काफ़ी फेमस जगह है कुद्रेमुख।
इसके साथ ही हमने यहाँ पे जाना कि डिगबोई, नाहरकटिया, मुंबई हाई, बसीन और कलोल हैं, ये बेसिकली मुंबई ऑयल या सर ये ऑयल के लिए फेमस है, यहाँ पे ऑयल के फील्ड हैं इसलिए न्यूज़ में रहते हैं। इसके साथ ही हमने ब्रूट सनसाइन के बारे में जाना जो कि कोयले का दूसरा नाम है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।